tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Good morning, दोस्तों. ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, गाड़ी पूरा सेटअप रेडी है. गाड़ी का हालत देखो, कल कीचड़ में क्या हुआ. आप हेलमेट पहन लो, निकलेंगे तब. तो ये था सलूजा होटल, काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है. अभी फ़िलहाल कोरोना के कारण रेट कम मिला, बोल के मैं तो आ गया. कौन इतना महंगा जगह में राइड में जाता है. राइड में सेविंग करके घूमने का है, पैसा वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है. तो चलो हम लोग अब निकलते हैं. और तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना राइड. यहाँ से 2 घंटा 16 मिनट 64 किलोमीटर का दिखा रहा है, मतलब अभी बज रहा है 8:57 और पहुँचेंगे 11:13 में. तो चलो ओम नमः शिवाय, निकल चलते हैं. तो ये था होटल सलूजा के सामने एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, बहुत बढ़िया बात है. तो चलिए, ये सिलीगुड़ी का सड़क है, निकल चलते हैं. और बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, कल सारा दिन बारिश गिरा, आज सारा दिन बारिश गिर रहा है. पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं. कल वाला ही गंदा वाला जींस पहन लिया हूँ क्योंकि कीचड़ आज भी लगना है, तो नया जींस नहीं निकाला. तो बाइक चला रहा हूँ जब, तो पुराना जींस पहन के चलाना बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से. तो यहाँ पे आराम से चलाना पड़ेगा. अभी तक सब दुकान खुले नहीं हैं, करीबन सुबह के 9 बज गए हैं. यहाँ के दुकानदार शायद थोड़े से सेठ पार्टी हैं, मतलब आराम से खोलते हैं, आलसी भी बोल सकते हैं, जो भी हो. या आज बंद है कि नहीं पता नहीं, ये भी नहीं पता, इसे कमेंट करने के पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. यार इतना गंदगी कौन छिड़क दिया. अभी साफ किया था, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया. कहाँ से आया कीचड़, मेरे सामने तो कोई गाड़ी था नहीं. तो चलते हैं अब धीरे. तो ये है माटीगाड़ा कुशंग रोड. यहाँ करीबन 12 किलोमीटर हम लोग को चलाना है और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है. लेंस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं पता, कैमरा का पानी के बौछारे हैं, लेकिन सही है, अच्छा लग रहा है देखने में. मतलब हल्की हल्की बारिश है, वेदर एकदम ठंडा है, सूरज देवता मेहरबान है, नहीं निकले. लेकिन निकलना चाहिए था यार राइड के दौरान, थोड़ा बहुत गर्मी लगता है लेकिन ड्राई तो रहता है, सीनिक ब्यूटी दिखाई देता है. यार एक बात बोलूं, गोप्रो में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मेरे को पहाड़ दिखाई दिया, पहाड़. बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. अब फिर छूट गया है इसमें, किसमें, पेड़ में, कोई नहीं, अच्छा लगता है. बहुत दिन बाद पहाड़ देखने को अच्छा लगता है. पुरलिया गया था, वैसा मज़ा नहीं आया, वो वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ हिमालय हिमालय ही है सच्ची. यार ये बारिश पीछा नहीं छोड़ेगी और कैमरा के लेंस में पानी गिर रहा है, आप लोग को देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा. और ये यार मार दे मेरे को, मार दे. ये देखो पानी छिड़क के ऐसे क्या, पूरा गैजेट वैजेट पूरा ख़राब कर देगा ये लोग. जो भी हो मज़ा आ रहा है, पहाड़ देखने को मिल गया मेरे को, बढ़िया है बढ़िया.
चले इस मार्केट से भागते हैं, उसके बाद मैं फिर से वीडियो शूट करता हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, चाय का बगान है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश में GoPro ख़राब हो जाएगा। ये COVID-19 स्क्रीनिंग टनल है, मेरे ख्याल से नया बनाया है, रुकना पड़ेगा कि नहीं पूछ लेता हूँ। मेरे ख्याल से नहीं रुकना पड़ा, तो चलिए चलते हैं गोरखालैंड रेलवे स्टेशन। तो चलिए कुर्सियाँ हम लोगों ने आ गए हैं, सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है लेकिन GoPro में कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश गिर रहा है, मैं आंखें धुंधली हो रही हैं लेकिन GoPro का लेंस तो एकदम ख़राब है। एक काम करता हूँ, मैं GoPro को अंदर डाल देता हूँ, नहीं तो बारिश में भी एकदम ख़राब हो जाएगा, है ना, और बहुत कॉस्टली चीज़ है, गैजेट है, बार बार फिरने में मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल रख देता हूँ, रखने बाद आप लोगों से बाद में मिलता हूँ जब बारिश छूट जाएगा। ओके, सारा रास्ता हम लोगों ने भीगते भीगते किया है सफ़र, तो कुछ भी शूट नहीं कर पाए। अभी पूरा बारिश गिर रहा है, बाहर हम लोग होटल में हैं, अभी होटल का नाम है पहाड़ी सोल और सच्ची अच्छा होटल है, और मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ का व्यूज आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा बारिश गिर रहा है और कंटिन्यू बारिश। फिलहाल ये है अपना आज का आशियाना, एक छोटा सा रूम, मेक माई ट्रिप से बुकिंग किया हुआ, और सामान पूरा फैला हुआ है, इधर है इधर है, हर जगह सामान ही सामान है। इधर में मैं खोल के रख दिया हूँ, और एक पूरा भीगा हुआ है सब कुछ। कॉफ़ी लिया था कुछ देर पहले लेकिन तुरंत ठंडा हो गया, इतना ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो मैं आज आपको थोड़ा भी ट्रिप का कुछ भी नहीं दिखा पाया। प्रॉब्लम ये हो गया कि सारा समय बारिश हुआ बारिश हुआ बारिश हुआ, और बारिश होने के कारण मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि GoPro में पानी डालूंगा, पानी गिरेगा तो ख़राब हो जाएगा, और माइक यूज़ नहीं करूंगा तो मज़ा नहीं आएगा ब्लॉग का, है ना। तो बस आज के लिए मेरे को लगता है कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मतलब थोड़ा सा जो वीडियो दिया डे टू का। शाम को यदि खुलता है, यदि बारिश ठीक ठाक होता है तो मैं थोड़ा सा निकल के थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, तो उसका आपको वीडियो दूंगा, उसका अपडेट भी दे दूंगा बहुत जल्द। तो चलिए तब तक आप टाइम स्लैप देखिए और मैं यहाँ कॉफ़ी पीता हूँ। दोस्तों कहीं नहीं जाना पड़ा, घर में बैठे बैठे मेरे को आज एक बहुत अच्छा चीज़ का दर्शन हो गया और मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। देखेंगे क्या, घुमाओ कैमरा, देखिए। तो दिखाई दे रहा है, और क्या चाहिए, सारा दिन बारिश गिरने के बाद तो एक ऐसा चीज दिखाई दिया जिसका मैं कल्पना कभी नहीं किया था। क्या व्यूज है, क्या व्यूज है, आप देख सकते हैं व्यूज। थोड़ा सा जूम को छोटा करता हूँ, तो कैसा लगा व्यू आप लोगों को,
दार्जिलिंग आना मेरा मोटा मोटी 50% सक्सेस हो गया इसी के लिए। कंचनजंगा को देखने के लिए ज़्यादातर टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पे, और इसी से भेंट मेरा हो गया, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। मैं अपने आँखों में विश्वास नहीं कर रहा हूँ, इस बादल जहाँ बादल हट गए छट गए वहीं मेरे को दिखाई दिया ये कंचनजंगा। सुपर टाइम लैप्स देखिए कंचनजंगा का, आपको अच्छा लगेगा।